उनको सलाम करते हैं। किनको सलाम करते हैं? कि जैसे लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा कि कई बार हमको जेल जाना पड़ेगा लेकिन महागठबंधन की ताकत को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है कि न केवल जिला स्तरीय दिखाई पड़े बल्कि बूथ स्तरीय हमारे कार्यकर्ता महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेताओं के निर्देश हम लोगों का प्राप्त हुआ है। ये गोंगी बहरी निकम्मी सरकार के विरोध, जनता सड़कों पर उतरने के लिए आतुर है, इसलिए तिथि तय कर दिया गया है 15 जून को बेगूसराय जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तैयारी के लिए हम तमाम गठबंधन के लोग संयोजक के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री माननीय पूर्व विधायक अवधेश बाबू को हम लोग मनोनीत किए हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के एक होटल में हूं और यहां आज महागठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही है। राज्य स्तरीय एका के बाद अब जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय एका की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है और उसी शक्ति प्रदर्शन के तहत अब संयोजक भी बनाए गए हैं बछवाड़ा के पूर्व विधायक और CPI के जिला मंत्री अवधेश राय। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आगे की इन लोगों की तैयारी है और किस तरह से ये लोग एक रूपता बनाए रखेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं महागठबंधन के नेताओं से। संयोजक की जिम्मेवारी मिली है, कैसे अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, हम लोगों ने आज की बैठक में तय किया कि 15 तारीख को पहली बार महागठबंधन अपना प्रखंड स्तर पर संयुक्त कार्रवाई करके एकता को प्रदर्शित करेगा। हम लोगों ने निर्णय किया है कि न केवल जिला स्तरीय दिखाई पड़े बल्कि बूथ स्तरीय हमारे कार्यकर्ता महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई पड़े, CPI CPM माले और राजद जनता दल यू के रूप में नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई पड़े। ऐसी एका हमारी बननी चाहिए, ये महागठबंधन की राज्य स्तरीय समझ है और जिसको हम धरती पर उतारने की तैयारी में आज की बैठक हम रखे हैं। कांग्रेस के सार्जन जी अभी चूंकि उनका इस बार जो जिला मंत्री चुने गए तो एक अभिनंदन समारोह था, इसलिए आधा घंटा पहले वो यहाँ से फुर्सत लेके गए हैं, हम लोगों ने इजाज़त दिया। कांग्रेस अपनी शर्तों पर विपक्ष की एकता चाह रही है? जी नहीं, ये समझ दिमाग से हटा दीजिए, कांग्रेस की कोई शर्त पर विपक्ष की एकता बनेगी नहीं बल्कि सबों की विचारधारा एक साथ आएगी। और अभी जितनी भी बातें हुई है महागठबंधन के माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में, तेजस्वी जी के साथ में सभी राजनीतिक दल, यहाँ तक कि कांग्रेस के खड़गे जी राहुल जी के साथ संयुक्त बातचीत हुई है, कोई शर्त नहीं है, शर्त विहीन हमारा गठबंधन बन रहा है और यह आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव तक। हमारे साथ हैं चंद्रदेव वर्मा, माले से हैं, कैसा है चंद्रदेव वर्मा जी, एकता दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है? देखिए, एकता दिखाने की नहीं बल्कि ये तो अब धरातल पर आना शुरू हो गया है। जो भाजपा ने जो नफरत पैदा किया और देश में लोकतंत्र को ध्वस्त कर देने की जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ लोगों का जो एक आक्रोश है वह तो अस्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जो आज कुकर्मियों को, कहिए तो बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की पूरी सरकार एकजुट हो गई है और उसके खिलाफ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से वो बचाने में सरकार लगी हुई है विपक्ष को नज़रअंदाज करके, तो निश्चय ही आने वाले दिन में इसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। आज यदि बृजभूषण नहीं जेल जाता है तो कल को नरेंद्र मोदी को लोग हटा करके उनको हिंद महासागर की खाड़ी में फेंक देंगे। जी महतो जी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं RJD के।
ऐसी एकता अच्छी लग रही है, एकता बहुत मजबूत एकता है, चट्टानी एकता इसको कहिए। और इस एकता के बल पर जो है इस बार जो 24 में मोदी जी कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है। तय कर दिए, एकदम तय हो गया है, एक एक घर से उनकी विरोध की आवाज आ रही है। पहलवान महिला जो मेडल जीत करके आई है उस पर अत्याचार किया, वो अत्याचारी को पकड़ नहीं रहा अभी तक। संविधान पर मेरा खतरा हो गया है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था वो अब उसको मिटा करके जो है आरएसएस का जो संविधान बनाया है वो लोग वो लागू करने के लिए चाह रहा है। हमारे पूर्वजों का जो भी भारत में बना हुआ था उसको तोड़ करके मरम्मती के नाम पर के ढाने के नाम पर जो है वह अपने छाप उसमें लगाना चाह रहे, अपना शिला पीठ रखने के लिए चाह रहे हैं। जो आज देश की आज़ादी में बलिदान दे दिए हैं उनका नाम मिटाने के लिए चाह रहे हैं। यही एकजुटता की ताकत होती है कि शिवजी महतो किस तरह से आज धार मार रहे हैं भाजपा के खिलाफ, रुदल रहे हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं तो पूरी ताकत झोंक दी है रुदल जी। 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वह बेगूसराय जिला का महागठबंधन का जो धरना और प्रदर्शन होगा वह बिहार में टॉप करेगा। और ये महागठबंधन केवल कीजिए बिहार की राजनीति को ही नहीं तय करेगी बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को उन्होंने कई बार देश के में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है कई बार EDI और CBI के माध्यम से उसको फंसाने का काम कर रहा है, लेकिन हम उनको सलाम करते हैं। किनको सलाम करते हैं? कि जैसे लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि कई बार हमको जेल जाना पड़ेगा लेकिन महागठबंधन की ताकत को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। मोहित जी अब तो अच्छा लग रहा होगा कि जदयू वाले आपके नेता को सलाम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके अभी जो महागठबंधन की हम लोग बैठक किए हैं, देश में जो अराजकता की माहौल है, देश में महंगाई जो बढ़ी हुई है, देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये हमारा संविधान को जो समाप्त कर रहा है, इस लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेताओं के निर्देश हम लोगों का प्राप्त हुआ है, ये गोंगी बहरी निकम्मी सरकार के विरोध जनता सड़कों पर उतरने के लिए आतुर है, इसलिए तिथि तय कर दिया गया है 15 जून को बेगूसराय जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तैयारी के लिए हम तमाम गठबंधन के लोग संयोजक के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री माननीय पूर्व विधायक अवधेश बाबू को हम लोग मनोनीत किए हैं जिला संयोजक के रूप में। ये सर जी खबर है क्या कि राजद ने कल बजाबते नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए चेहरा घोषित कर दिया? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और ख़ास करके इस देश की युवाओं की आवाज़ जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं वो सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते ही नहीं हैं। साथियों याद है लालू यादव ने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन ये फिरका प्रस्तागत के नीचे नतमस्तक नहीं होऊंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी और तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश जी को घोषणा कर दिए तो कर दिए, हम नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में और बिहार के तमाम गठबंधन के नेता इनके पक्ष में। जी पूर्व जिला सचिव हैं सुरेश यादव CPM से, इनसे पूछते हैं कि महागठबंधन धरातल पर मजबूत दिख रही है? हाँ दिख रही है। ये ठीक नहीं है? नहीं है। तो अच्छा बोल दिए। अरे बोल तो दिए कि यही सच है, देख रहे हैं वो सत्य है। चलिए तनी अब हम वाले जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार से बतिया लेते हैं थोड़ा सा जगह दीजिए। तो पीयूष जी आपकी पार्टी भी एकदम साथ है कि बीच में लंगी मार्ग निकल लीजिए? नहीं हम लारे तो नेता कसम खाए हुए हैं महागठबंधन के साथ ही रहना है तो फिर इसमें नंगे मारने की जगह ही नहीं बच रही है। बीच बीच में ऐसा बयान देते हैं कि भारी गर्माहट हो जाता है राजनीतिक में। बयान तो मांझी जी शुरू से ही देते आ रहे हैं, आज नई बात ऐसी कोई नई बात नहीं जो आज दे रहे हैं, वो जिधर भी रहेंगे जहां भी रहते हैं बयान उनका बयान है। तो बयान आप कन्फर्म है कि मांझी जी नहीं छोड़ेंगे महागठबंधन? मांझी जी नहीं छोड़ेंगे, पक्का पक्का। बीच में अमित शाह जी से मिलने गए थे? अमित शाह जी से मिलने गए थे तो उसमें था क्या, उसमें श्री बाबू दशरथ मांझी और कपूरी ठाकुर
को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग से मिलने के लिए गए थे। इस बाकी वहाँ कुछ नहीं था, बाकी कोई चीज़ का कोई बात वहाँ नहीं हुआ था। ये तीनों के भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए भी दे रहे हैं, ताबड़तोड़ की 5 को दीजिए, नहीं तो हम देखेंगे। सीट मांगना, जगह मांगना, ये तो राजनीति की बुनियादी चीज़ है। अब जो मिले वो बाद की बात है, अभी तो उस पर बात भी नहीं हुई। यही तो मांगना तो सबकी अधिकार है, लोकतंत्र है, मांगेंगे ही, कहे नहीं मांगेंगे। तो चलिए, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं पीयूष कुमार, इनका कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता कहीं नहीं जाएंगे, महागठबंधन में बने रहेंगे, ऐसा इनका दावा है।